अक्सर मोटापा बढ़ने लगता है तो लोग तरह तरह के उपाय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय बिना जानकारी के कर जाते हैं जिससे और भी वजन बढ़ जाता है। आज हम आपको वेनलेस कोच के अनुसार सही जानकारी बताने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे भी आपका वजन कम कर सकते हैं। केवल आपको इन चार बातों का ध्यान रखना होगा। यह चार बातें आपके वजन को कम करेगी और आपका स्वास्थ्य बनाए रखेगी। लोकल 18 की टीम से खास बातचीत में शिकारपुरा थाने के पास रहने वाली वेनलेस कोच 10 साल का अनुभव रखने वाली दीपिका शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपको भी घर बैठे वजन कम करना है तो आपको केवल चार बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले खाना खाने से आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है, सुबह हेल्दी नाश्ता करना है, फल फ्रूट लेना है, रात में हल्का भोजन करना है और करीब 10,000 कदम रोज सुबह से देर रात तक चलना है। यदि आप इन चार बातों को फॉलो करते हैं तो आपका वजन एक महीने में कम होना शुरू हो जाएगा। यदि आप इन चार बातों को फॉलो करते हैं तो आपका एक महीने में 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही इन चार बातों का पालन कर अपने वजन को कम कर सकते हैं। वजन बढ़ने पर शरीर में कई परेशानियां आना शुरू हो जाती है, इसलिए आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। 70 किलो पुरुष का वजन है और उसको वजन कम करना है, तो आप क्या टिप्स देंगे कि जो घर पर बैठकर भी वो अपना वजन कर ले। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका शाह है और लास्ट 11 साल से मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ उनके फिटनेस के लिए, वज़न कम करने के लिए। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और अधिकतर पुरुषों में देखा है हमने कि उनका पेट बाहर निकलने लगता है, वज़न धीरे धीरे उम्र के हिसाब से बढ़ने लगता है। तो आज मेरी चार टिप्स मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे तक आप पानी ना पिए और आप रात का भोजन थोड़ा हल्का लीजिए, जैसे कि दलिया है या फिर लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। और सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है वो आपको बहुत हेल्दी लेना होता है, लिक्विड जूस फ्रूट या फिर आप सूप ले सकते हैं। और पानी आप ज़्यादा लीजिए दिन भर में और कम से कम कोशिश करिए कि 10,000 स्टेप आप दिन भर में चलें। ये मेरी आज की चार टिप है, आप इसको ज़रूर अपनाएं और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका वज़न भी घटने लगेगा।